आज के बजट में सर घोषणाएं अच्छी हुई है, धरातल पे जल्दी आए हम इसकी उम्मीद करते हैं, लेकिन बजट प्रावधानों में जो राजकोषीय घाटा है या जो हमारे ऊपर टैक्सेशन को लेके उन्होंने किए हैं प्रावधान, उनका क्या आउटकम्स आएगा? ये हम आने वाले दिनों में लगातार जब एक एक विभाग की अनुदान मांगों पे चर्चा होगी तब हम इसी तरह से डिस्कस करेंगे। लेकिन लेकिन जिलों वाली महत्वपूर्ण बात है इसमें। जी जिलों को लेकर के राजस्थान में एक जिस तरह का एक क्यूरिसिटी पैदा की एक्जेक्टली गई, जी। लोगों में एक उत्सुकता पैदा की गई, जगह जगह से प्रस्ताव मांगे गए, जो एक्सरसाइज की गई उस पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च भी हुए हैं, पूरी आपकी प्रशासनिक मशीनरी उस पर लगी हुई थी, 49 जगह से प्रस्ताव थे, काफ़ी लंबे वक्त से जिलों की घोषणा भी नहीं हुई राजस्थान में, तो उम्मीद की जा रही थी कि जिलों की घोषणा होगी। और आप मदन प्रजापत को देखें या नीमका थाने के विधायक को देखें, सुरेश मोदी, उन्होंने तो बाकायदा संकल्प किए हुए थे कि खासतौर पर मदन प्रजापत पजपदरा को जिला बनाने को लेकर के, कि जब तक जिला नहीं बनेगा वो पजपदरा विधायक जी बालोतरा या पजपदरा को बनाने को लेकर के, बाड़मेर में एक नए जिले की उनकी डिमांड, पजपदरा के विधायक हैं मैं करेक्ट कर दूं, और वो बालोतरा को जिला बनाना चाहते हैं और वो नंगे पांव घूम रहे हैं, तो उनका संकल्प पूरा नहीं हुआ, उनको लगता है कि अभी और इंतजार करना पड़ेगा। तो जिलों की घोषणा को लेकर के बहुत ज्यादा उम्मीद थी राजस्थान की जनता को, लगता ऐसा है कि गहलोत ने पूरा आकलन किया इसको लेकर के, और उनको लग गया कि अगर वो 5 या 7 जिले बनाते हैं तो बाकी जगह का रिएक्शन होगा वो बड़ा खतरनाक होगा। जैसे नीम का थाना को जिला बनाने को लेकर के जो कवायद शुरू हुई, जगह जगह से विरोध शुरू हो गए थे उदयपुरवाटी से और इधर से, तो गहलोत को लगा कि ये बरके छत्ते में हाथ डालने वाली बात है, और अभी अगर इस तरह की घोषणा करते हैं तो उसका फायदा कम हो नुकसान ज्यादा हो।